नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के वीडियो बहुत इंटरेक्टिव लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके वीडियो में बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। आप देख रहे होंगे जैसा कि मेरे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसमें समुद्र की लहरें दिख रही हैं, पेड़ दिख रहा है, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खासियत है केवल और केवल वर्चुअल बैकग्राउंड की, जो मैंने अपने वीडियो में लगा रखा है। दोस्तों ऐसा वीडियो बनाने के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसे वीडियो बनाने की टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर की मदद से फ्री में इस तरीके के वीडियो बना सकते हैं और अलग अलग तरह के बैकग्राउंड लगा के इंटरेक्टिव वीडियो आप लोगों को दिखा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा मैं अभी कैसी जगह पर बैठकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको ये बैकग्राउंड हटा के एक्चुअल दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं एक स्टोर रूम में बैठकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीन स्क्रीन हो, कोई आइडियल किसी भी तरीके की कंडीशन हो जिससे हम वीडियो में वर्चुअल बैकग्राउंड को यूज कर सकें। तो अब मैं वापस अपना वो बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा अब बैकग्राउंड आ गया, जिसमें एक समुद्र की लहर चल रही है, पेड़ हवा से हिल रहा है, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये कैसे होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज होता है, सॉफ्टवेयर वो फ्री है या वो पेड है, वो सारा कुछ बताने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल बिल्कुल फ्री है और इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। आजकल बहुत सारे लोग मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है जूम, जो कि पेड भी है और फ्री भी है। लेकिन अभी मैं जो आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक फ्री वर्जन में बना रहा हूँ। दोस्तों मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। दोस्तों ये आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। गूगल पे सर्च करेंगे जूम सॉफ्टवेयर डाउनलोड, यहाँ पर आ जाएगा ये डाउनलोड सेंटर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये केवल 10 MB का सॉफ्टवेयर है और ये फ्री में डाउनलोड हो जाता है। आप इसे डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप साइन अप करेंगे। उसके लिए आपको मेल आईडी, नाम और जो जो भी थोड़ा सा डिटेल मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, तो वो आप उसमें देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप साइन अप ना करें और फिर भी इसमें लॉग इन कर लें, तो उसके लिए आप गूगल या फेसबुक के थ्रू भी इसमें आप जा सकते हैं। दोस्तों जाने के बाद ये सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पर होगा मीटिंग, ज्वाइन शेड्यूल और शेयर स्क्रीन, इस तरीके के ऑप्शन होंगे और यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शन होंगे। तो अभी क्योंकि दोस्तों हम बता रहे हैं आपको वीडियो को किस तरीके से वर्चुअल स्क्रीन के बारे में बता रहे हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड के बारे में, वो कैसे यूज करना है। उसके लिए दोस्तों आपको जब आप स्क्रीन खोल लेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो का। वीडियो में जाकर एक ऑप्शन आएगा चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत सारे इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड आ गए हैं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो यहाँ नन कर देंगे, बैकग्राउंड हट जाएगा। दो तीन बैकग्राउंड इसमें पहले से पड़े हुए होंगे, जैसे ये वाला बैकग्राउंड पहले से होगा, ये पहले से होगा, ये पहले से होगा, ये भी पहले से होगा। अब आपको इनमें से मान लीजिए कोई बैकग्राउंड नहीं ठीक लग रहा, आपको कोई नया अपना बैकग्राउंड चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप ओपन करेंगे गूगल ड्राइव, यहाँ लिखेंगे वर्चुअल बैकग्राउंड इमेजेस, ये क्लिक किया, यहाँ पर आपको बहुत सारी वर्चुअल बैकग्राउंड इमेजेस मिल जाएंगे।
और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं इमेजेस और उनका साइज भी डाल सकते हैं। ये आपने जैसे ही डाला तो आपको बहुत सारी इमेजेस आ गई, इमेज पर क्लिक किया और ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी इमेज, ये लग रहा है जैसे एक न्यूज रूम की इमेज है। ये एक बड़ा सा रूम है, लिविंग रूम है, ये कोई ऑफिस का लग रहा है, ये भी न्यूज रूम का लग रहा है। तो जैसे अभी देखिए मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, इमेज को आप सेव इमेज कर देंगे, सेव इमेज एज, और इसे आप कर देंगे, मान लीजिए इसको कर दिया न्यूज रूम, न्यूज रूम करके इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाएंगे और चूज वर्चुअल बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो प्लस का बटन है एड इमेज और वीडियो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एड इमेज पे क्लिक करेंगे और ये न्यूज रूम वाला भी हमने निकाला था। और दोस्तों ये मैं आ गया न्यूज रूम के अंदर। इस तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड अपने वीडियो में लगा सकते हैं। अभी कोई वीडियो भी आप यूज कर सकते हैं, वीडियो के लिए भी ऐसे गूगल पे सर्च करना है, क्या करना है, वर्चुअल बैकग्राउंड वीडियो, आपको बहुत सारे वर्चुअल बैकग्राउंड वीडियो मिल जाएंगे, इनको आप डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं ऐसे ही सिमिलर जैसे मैंने इसके लिए बताया। या अगर आप चाहें कोई अपना कस्टमाइज बनाना चाहते हैं तो आप वो बना भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये स्टूडियो बनाया, एक ये बनाया आपने स्टूडियो, इसको आपने डाउनलोड किया, को आपने डाउनलोड किया सेव इमेज एज न्यूज रूम वन के नाम कर दिया, इसको ओपन विद पेंट कर देंगे, ओपन विद पेंट ये किया। करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखना है आपने लिख लिया, और कोई चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग आपको करना है आप वो एडिटिंग करके आप इसे बना के सेव कर सकते हैं, कुछ भी आप बना के ना सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया, सेव करने के बाद फिर से आप गए अपने सॉफ्टवेयर में, वहां पर जाके यहाँ स्टॉप वीडियो लिखा हुआ आ रहा होगा, उसी के साथ एक ऑप्शन एरो आएगा, वहां पर चूज वर्चुअल बैकग्राउंड करना है और उसे आपको ऐड कर देना है। ये इमेज अभी हमने बनाई थी न्यू जूम वन, आपको ऐड कर, और ये देखिए दोस्तों आपने ऐड किया और ये इमेज आपके पास आ गई। इस तरीके से आप कोई भी इमेज बना सकते हैं और अपने वीडियो को बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारे टाइप के आपको बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड इमेजेस मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए कितनी शानदार इमेज, ऐसे बहुत सारी मिल जाएंगे। इसको भी हम करके देख लेते हैं, देखते हैं कैसा ऐड,
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अलग अलग तरह की इमेजेस लगा के अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ये जरूर बताइएगा। अब आप इस तरीके से बहुत बढ़िया शानदार वीडियो बना सकते हैं और अपने अपने YouTube चैनल को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। अगर किसी तरीके की आपको क्वेरी है इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड किसी तरीके की, तो आप मेरे से वो भी पूछ सकते हैं। और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपने जो दोस्तों से आप इसको शेयर करना चाहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बहुत सारे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और वो आपसे चूक ना जाएँ, इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।